नमस्कार दोस्तों, मैं अध्यापक प्रवीण कुमार आपके सामने अपनी एक प्यारी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। शीर्षक है नया भोर। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, एक अध्यापक हैं, एक कलमकार हैं, तो ये रचना आपके लिए है, हम सबके लिए है। सुनकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सुनिए कि नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, कलम थाम कर इन हाथों से जीवन का एक सार लिखें। कि नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, कलम थाम कर इन हाथों से जीवन का एक सार लिखें। थके हुए हैं चेहरे कितने, कितनी भरी उदासी है, हंसी लबों की मानो इनकी रहती जुदा जुदा सी है। कि थके हुए हैं चेहरे कितने, कितनी भरी उदासी है, हंसी लबों की मानो इनकी रहती जुदा जुदा सी है। सूनी सूनी इन आँखों में सपने नए जगाने को, नई दिशा में प्रेम भरा एक सुंदर सा उपहार लिखें। नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, कलम थाम कर इन हाथों से जीवन का एक सार लिखें। हर पल में देखिए, हर पल हमें आपको संघर्ष करना होता है, लेकिन कभी भी यदि आपके हाथ में कलम है तो कुछ ऐसा ना लिखें जो मानव जाति के लिए एक अभिशाप हो। यानी जब भी हमें लिखना है तो अच्छा लिखना है, ऐसा लिखना है जिससे जीवन सुखमय हो। कि हर पल में संघर्ष बड़ा है, जीवन को जीना सीखें, सदा नहीं रहती हैं खुशियां, गम को भी पीना सीखें। आज जगत में हर इंसान को सत का मार्ग दिखाने को, नव ज्योति हाथों में लेकर जीवन का उद्धार लिखें, जीवन का उद्धार लिखें। नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, कलम थाम कर इन हाथों से जीवन का एक सार लिखें। लक्ष्य, जो भी व्यक्ति अपना लक्ष्य सदा नेक रखता है, ऊंचा रखता है, वो उस लक्ष्य को हमेशा प्राप्त करता है। कि लक्ष्य सदा जो रखते ऊंचा, पर्वत की ऊंचाई से डरा नहीं वो करते गहरे, सागर की गहराई से। कि कर्म सदा ही लक्ष्य को साधे, बात यही समझाने को, हर दिन हर पल आगे बढ़ते रहने का विस्तार लिखें। नई भोर में नई चेतना का कोमल संसार लिखें, कलम थाम कर इन हाथों से जीवन का एक सार लिखें। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।